सज्जनों आपके बीच में एक रागनी किस मौके की रखूंगा, सुभाष चंद्र बोस के किस्से से। और हवाला क्या रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस एक बार लाहौर शहर में फंस जाते हैं, वहां पर उनको अंधेरा हो जाता है और एक भठियारी के घर जाते हैं और उस भठियारी से जाकर कहते हैं कि अरे भठियारी, ऐसी अंधेरी रात है, कहां जाऊंगा, मुझे एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए। तो सज्जनों बताते हैं वो भठियारी इनकार कर देती है। सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि देख भठियारी, ऐसी अंधेरी रात में कहां जाऊंगा। तो सज्जनों उस भठियारी ने कहा कि देख परदेसी, तेरे को रुकने के लिए जगह दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तेरे को कुछ देना होगा। सज्जनों जो ही देने का नाम सुना, सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथ में सोने की घड़ी बंधी थी, वो उस भठियारी को दे दी। और जो ही भठियारी ने वो सोने की घड़ी ली, उसके मन में लालच आ जाता है। सजनों सोचती है इस परदेसी के पास एक रात रुकने के लिए मेरे को सोने की घड़ी दे दी, पता नहीं और क्या क्या होगा। और वो सुभाष चंद्र बोस को मारने की योजना बनाती है, आधी रात के समय कुल्हाड़ी लेती है और सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए चलती है। और जो ही सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए कुल्हाड़ी तानती है, सजनों भारत माता एकदम आंख खुलवाती है कि देख वीर सपूत, तेरे साथ क्या हो रहा है। जो ही सुभाष चंद्र बोस की आंख खुली, सामने देखता है भठियारी को, और वह सुभाष चंद्र बोस भठियारी को एक बात के द्वारा क्या कहता है, बड़ी हिट राग ने क्या बताया, सुभाष चंद्र बोस उस भठियारी से क्या कहते हैं, मेरी न्यू बोला धोखा दे के परदेसी ने, ये रटा क्या ना करते, और घर आए मानस के सिर में परदेसी ने डाट्या ना करते और घर आए मानस के सिर में काट्या ना करते। कि भठियारी तेरे मन में लालच आ गया, मैं समझ गया तेरी बात को, लेकिन सजनों बेईमाने से कभी किसी का पेट नहीं भरता। कि चोरी का धन ओस का पानी, के बादल की छाया और के वेश्या की प्रीत जगत में के सुपने की माया। नंबर एक पे सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी, परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी, दो दिन छिपे पाएगी मैं, भूखी रांड मरेगी। मैं तन पूछूं मन मार के कि परले पार तरेगी, हो
रागनी पर खुश होकर 100 रुपए बालू भाई, 10 रुपए पल्लू शर्मा और 100 रुपए आजाद नाई की तरफ से भाइयों को बार बार धन्यवाद। नंबर 2 के सजनों, क्या बताया, सुभाष चंद्र बोस कहने लगे और आज के जमाने में सजनों देख लो, इंसान इंसान का बैरी है, मैं उसको मार दूं। लेकिन सजनों क्या कभी सोचा है कि उस परम पिता परमेश्वर ने एक मनुष्य को मारने का कितना बड़ा पाप बता दिया, 7 जन्म तक भी पाप नहीं कटता। नंबर 2 पे सुभाष चंद्र बोस भटियारी को क्या कहते हैं, क्या बताया था? युग जार हुए, त्रेता युग के अंदर एक वाल्मीकि नाम का आदमी हुआ सजनों, जो क्या काम करता था, चोरी डकैती का। उसने लाखों मानसों को मार दिया और लूट लिया। एक दिन एक जंगल में गुजरने वाले साधु को उसने पेड़ से बांध दिया और उसे लूट लिया सजनों। वह साधु कहने लगा, तू चोरी किसके लिए कर रहा है? बोले, मेरे घर परिवार के लिए। क्या तूने घर परिवार से कभी पूछा है कि तू चोरी कर रहा है, तुझे पाप लगेगा, क्या वो तेरा हिस्सा बटाएंगे? नहीं पूछा सजनों। उसी दिन जाकर उसने घर जाकर पूछा कि मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे पाप लगेगा, क्या आप मेरे पाप का हिस्सा बांटोगे? घर वालों ने कहा, अरे हम तेरा पाप का हिस्सा कैसे बांट सकते हैं? सजनों उसी दिन से उस आदमी ने चोरी करनी छोड़ दी और वह वाल्मीकि ऋषि हुआ जिसने रामायण की रचना की। नंबर 3 पे क्या बता दिया, we'll be right back.
चोर लुटेरे तन के लोथिन लाखा मानस मार कूट कह के रे छोटा से बालू भाई 50 रुपए दोनों भाइयों का बार बार धन्यवाद। सबसे अंत में जाट मेहर सिंह की लिखी हुई रागनी मेहर सिंह ने और साथ में लक्ष्मी चंद जी का नाम जोड़ दिया। क्या बताया सजनों, क्या बता दिया? बालू भाई एक बार फिर से मान सम्मान करते अपने छोटे भाई का बार बार धन्यवाद।